इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 की फिल्म दी अवेकनिंग ऑफ मोटी वॉल्कनब्रुक के बारे में, जो कहानी है मोटी नाम के एक कट्टर ज्यूइश लड़के की, जिस पर एक कट्टर ज्यूइश लड़की से शादी करने का दबाव डाला गया, पर उसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो गया जिसे उसका परिवार कभी अपनाएगा नहीं। मोटी एक भोला भाला ज्यूइश लड़का था जिसे उसकी माँ हर वक्त डोमिनेट करती है। वो एक कट्टर ज्यूइश परिवार का हिस्सा है और अपनी इस जिंदगी से वो खुश नहीं है। उसकी माँ जूडित बार बार उसे अलग अलग ज्यूइश लड़कियों से मिलवाती है ताकि उनमें से किसी को पसंद करके वो जल्द से जल्द शादी कर ले, पर उन लड़कियों से मिलकर वो थक चुका था। पैदा होते ही मोटी को जिंदगी जीने के रूल समझाए गए थे, जहां उसे बताया गया कि उसे एक पवित्र ज्यूइश बनकर सही वक्त पर उसी के जैसी एक पवित्र ज्यूइश से शादी करनी होगी और शादी होते ही उसे बच्चे पैदा करना शुरू करना होगा। इस सब के अलावा उसकी जिंदगी में सिर्फ काम और पूजा पाठ के लिए जगह होनी चाहिए और फिर उसे अपनी मौत का इंतजार करना होगा। जूडित की वजह से वो इस तरह की सोच और जिंदगी से बाहर नहीं आ पा रहा था और उसने अपने पिता मोइश से कह दिया कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। ये बात जूडित को अच्छी नहीं लगी, पर मोइश ने अपने बेटे के फैसले का समर्थन किया। अपने परिवार के ही कहने पर मोटी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था और एक दिन उसकी क्लास में लौरा नाम की एक लड़की आई और उसे देखते ही मोटी उसे पसंद करने लगा, मगर आज तक वो उससे बात नहीं कर पाया क्योंकि लौरा एक ज्यूइश नहीं है और उसकी माँ अपने घर में सिर्फ एक ज्यूइश लड़की को लाना चाहती है। वो अपना ध्यान लौरा से हटाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त योसी से मदद मांगी और योसी ने सलाह दी कि उसे खुद को ये सोचने पर मजबूर करना होगा कि लौरा खूबसूरत नहीं है, पर ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं था। जूडित अब भी उसे अलग अलग लड़कियों के पास ले जा रही थी और एक दिन उसके सामने मिकाल नाम की एक लड़की को लाया गया जो उसी की तरह अलग अलग लड़कों से मिलकर थक चुकी थी। मोटी ने सोचा कि उसे और मिकाल को अपने घर वालों के दबाव से बचने के लिए कुछ वक्त के लिए एक नाटक करना चाहिए। वो दोनों शादी तो नहीं करना चाहते थे, पर अगर वो ये कहे कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें इस सर्कस से छुटकारा मिल सकता है, और मिकाल इस नाटक के लिए राजी हो गई। जूडित ये जानकर बहुत खुश हुई कि मोटी को एक लड़की पसंद आ चुकी है, पर इस खुशी में उसने एक गलती कर दी और उसकी इस गलती की वजह से उन्हें एक नई गाड़ी और मोटी को एक नए चश्मे की जरूरत पड़ गई। जब एक ज्यूइश इंसान को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ज्यूइश के पास जाता है और इस रिवाज को आज तक कोई बदल नहीं पाया। वो लोग एक ही कंपनी की गाड़ी और एक ही तरह के चश्मे का फ्रेम पहनते हैं, इसलिए परेशान होकर मोटी ने अपना स्टाइल बदलने का फैसला किया। उसने एक अलग तरह का चश्मा खरीदा और घर जाते ही उसने शेव भी कर लिया, मगर उसका बदला हुआ रूप देखकर जूडित नाराज हो गई और दूसरे रिश्तेदार भी इस बात की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगे। मोटी के परिवार वाले ये सोचकर खुश थे कि वो मिकाल से शादी करने वाला है और उस पर शादी का दबाव डालना बंद कर दिया गया, पर धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई। लौरा और मोटी की दोस्ती हो गई और लौरा के साथ वक्त बिताकर मोटी उसे पहले से ज्यादा पसंद करने लगा। मोटी उसके साथ अब वो चीजें करने लगा था जो एक कट्टर ज्यूइश को करने से रोका जाता है। अगली सुबह उसने जूडित को बता दिया कि उसने जिस दोस्त के साथ वक्त बताया था वो ज्यूइश नहीं है, और ये सुनकर जूडित रोते हुए कहने लगी कि मोटी एक अच्छा लड़का हुआ करता था, पर अब वो बिगड़ने लगा है। इस बात पर ध्यान ना देकर वो अपने पिता का काम पूरा करने उन्हीं की इंश्योरेंस क्लाइंट के पास गया। फ्रॉ नाम की उस औरत ने बताया कि उसे कैंसर है, इसलिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फ्रॉ अपने इंश्योरेंस के पैसों से एम्बुलेंस और स्कूल बनवाना चाहती थी, पर अपनी ख्वाहिश से ज्यादा वो मोटी के बारे में सोच रही थी। वो टैरो कार्ड के जरिए मोटी को सही फैसले लेने में मदद करने लगी और उसने बताया कि जल्द ही मोटी की जिंदगी में एक लड़की आएगी जो सब कुछ बदलने वाली है, पर मोटी ये समझ नहीं पाया कि वो लौरा की बात कर रही है। एक दिन योसी ने मोटी को लौरा के साथ देख लिया और वो समझ गया कि मोटी उससे प्यार करने लगा है। एक रात मोटी उस बार में गया जहाँ लौरा काम करती है और इस नई दुनिया का हिस्सा बनकर वो अजीब सा महसूस करने लगा। उस वक्त तो लौरा उसके साथ वक्त नहीं बिता पाई, पर उसने मोटी को अपना नंबर दे दिया और इस तरह उन दोनों की करीबी बढ़ती गई। मोटी लौरा को अपने घर ले जाने के सपने देखने लगा, पर ये सपना हर बार डरावना सपना साबित हो रहा था, इसलिए वो लौरा को अपने घर ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मिकाल और मोटी दोनों को जबरदस्ती एक दूसरे से मिलने के लिए कहा गया और वो दोनों ही इनकार नहीं कर पाए। अपनी माओ की हरकतें देखने के बाद उन दोनों को लगने लगा कि शायद उनका आइडिया बुरा था और उन्हें सच बता देना चाहिए था। जूडित और मिकाल की माँ अब भी उन दोनों पर नजर रख रही थी और उन्हें यही लग रहा था कि उनका रिश्ता आगे बढ़ रहा है, पर सच कुछ और था। मोटी ने मिकाल को लौरा के बारे में सब कुछ बता दिया और बेफिक्र होकर लौरा के बारे में ही सोचने लगा, पर उसी रात उसके घर वालों ने उसकी शादी की तारीख तय कर दी और मोटी को अपने और मिकाल के सारे प्लान के बारे में उन्हें बताना पड़ गया।
हर कोई मोटी का बर्ताव देखकर हैरान हो गया और जूडिथ भी बेहोश हो गई। होश में आते ही वो जहर मांगने लगी और उसकी नौटंकी देखकर जूडिथ की माँ भी परेशान हो गई। जूडिथ अगले ही दिन मोटी को एक रबी के पास ले गई, जो उसे समझाने लगा कि अगर उसे वो लड़कियाँ पसंद नहीं जिनसे वो मिल रहा है तो उसे इजराइल भेजा जा सकता है, जहाँ वो अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ पाएगा। रबी की बात मानकर मोटी को इजराइल भेजने की तैयारी शुरू हुई और ना चाहते हुए भी उसे इजराइल जाकर रबी के दोस्त जोनाथन के परिवार के साथ रहना पड़ा। उसने लौरा से कहा कि वो किसी काम के सिलसिले में इजराइल आया है और ये जानकर लौरा बिल्कुल खुश नहीं थी। मोटी को लगा कि उसे फिर से अलग अलग लड़कियों से मिलवाया जाएगा, पर खुशकिस्मती से जोनाथन ने ऐसा कुछ नहीं किया। जोनाथन दूसरे ज्यूइश लोगों से अलग सोच रखता था और उसका मानना था कि किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती जोड़ना गलत है। एक दिन जोनाथन के घर कुछ लोग योगा सीखने आए और मोटी को भी इस सब का हिस्सा बनना पड़ा। उस वक्त उसकी मुलाकात याएल नाम की एक लड़की से हुई, जो उसे अपने साथ वक्त बिताने के लिए कहने लगी। मोटी ने वो पूरा दिन याएल के साथ बीच पर बिताया और इसराइल आने की असली वजह को भूलने लगा। शाम होते होते मोटी ने ज्यादा शराब पी ली और फिर याएल उसे अपने साथ अपने घर ले गई। इससे पहले कि मोटी कुछ समझ पाता, वो और याएल एक दूसरे के करीब आ गए और पहली बार किसी लड़की के करीब आकर मोटी को एहसास हुआ कि इसराइल आने का फैसला सही था। अगले दिन जब जूडिथ ने उससे बात की तो उसने बता दिया कि वो याएल नाम की एक लड़की से मिला है जिसके साथ वो पूरी रात रहा है, पर वो दोनों शादी नहीं करना चाहते। ये सुनकर जूडिथ बुरी तरह परेशान हो गई और मोटी को बुरा भला कहने लगी। उसने रबी को भी बुरा भला कह दिया क्योंकि उसी की वजह से मोटी इसराइल गया था। वो जब वापस घर लौटा तो मोइश समझ गया कि वो पूरी तरह बदल चुका है और वो दोनों मिलकर जूडिथ का मजाक उड़ाने लगे। घर लौटते ही जूडिथ ने अपनी नाराजगी जताई और कह दिया कि उसे फिर से मिकाल से मिलना होगा। मोटी जब फ्रॉ से मिलने गया तो फिर से टैरो कार्ड देखकर उसने मोटी को कुछ बताया। उसने कहा कि जल्द ही मोटी की जिंदगी में किसी चीज का अंत होने वाला है, पर एक दरवाजा बंद होने पर दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है। लौरा जब मोटी से मिली तो उसे भी एहसास हुआ कि मोटी अब कट्टर जुएश नहीं रहा, वो बदल गया है और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। एक रात जूडिथ ने मिकाल को अपने घर बुलाया, पर उसी रात लौरा ने अपने घर में एक पार्टी रखी थी और घर से निकलने में योसी ने उसकी मदद की। जूडिथ समझ गई कि मोटी किसी से मिलने जा रहा है, पर जब उसने कहा कि वो अपने दोस्त नीको के पास जा रहा है तो जूडिथ को लगा कि उसका बेटा गे है और इसलिए वो शादी करने से इनकार कर रहा था। जूडिथ की गलतफहमी ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया और इन बातों को पीछे छोड़कर मोटी लौरा के घर चला गया। लौरा उसे वहाँ देखकर बहुत खुश हुई और पूरी रात उस घर में पार्टी के मजे लेने के बाद लौरा ने मोटी को बताया कि वो भी उससे प्यार करने लगी है। अगली सुबह मोटी ने फैसला किया कि वो जूडिथ को लौरा के बारे में सब कुछ बता देगा और जब वो लौरा को अपने घर ले गया तो वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मोटी ने सपनों में देखा था। जूडिथ और मोइश दोनों ने लौरा का स्वागत किया और उसके साथ वक्त बिताने लगे, पर अचानक जूडिथ ने कहा कि उन्हें किसी काम से बाहर जाना है और लौरा के जाते ही जूडिथ ने कह दिया कि मोटी उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। वो अब भी इस बात पर टिकी हुई थी कि मोटी को सिर्फ एक ज्यूइश लड़की से शादी करनी होगी। उसने कह दिया कि मोटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और वो एक घटिया इंसान बन चुका है जो ज्यूइश लोगों को खत्म करना चाहता है। जिंदगी में पहली बार मोटी ने अपनी माँ के खिलाफ आवाज उठाई, पर ऐसा करने की वजह से जूडिथ ने उसे घर से निकाल दिया। मोइश चाहकर भी ये सब कुछ रोक नहीं पाया और अपने परिवार और पहचान को पीछे छोड़कर मोटी ने लौरा के साथ रहने का फैसला कर लिया। लौरा ने उस दिन उसे अपने घर में तो रहने दिया, पर अचानक उसी रात वो कहने लगी कि वो उसे पसंद तो करती है पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो उठा नहीं पाएगी। वो ना तो मोटी के साथ रह पाएगी और ना ही उससे शादी कर पाएगी। लौरा की इस बात ने मोटी का दिल तोड़ दिया और वो उसी वक्त उस घर से निकल गया। एक ही दिन में मोटी ने अपना सब कुछ खो दिया। वो वापस अपने पुराने रूप में लौटने की नाकाम कोशिश करने लगा, पर पूरी तरह जिंदगी की लड़ाई में वो हार गया। अगले दिन मोइश ने उससे बात की और कहा कि जूडिथ नाराज है इसलिए उसने ये कदम उठाया है, पर मोटी को फिर से अपने घर लौटकर आना चाहिए। मोइश ने उसे फ्रॉ से मिलने के लिए कहा और बीच रास्ते उसे योसी और मिकाल दोनों मिले, जिन्होंने बताया कि वो अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। अंत में जब मोटी फ्रॉ से मिला तो उसे पता चला कि फ्रॉ अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। बातें करते हुए फ्रॉ ने उसे अपने टैरो कार्ड्स दे दिए और उससे पूछा कि उसकी जिंदगी में किस चीज का अंत हुआ है। जब मोटी ने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है तो ये सुनकर फ्रॉ मुस्कुराने लगी। उसका कहना था कि सब कुछ खत्म होना अच्छी बात है क्योंकि अब इस खाली जिंदगी में मोटी हर एक नई चीज अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर सकता है। फ्रॉ से बात करके उसे बेहतर महसूस होने लगा और वो अपनी नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ा।
ठीक उस वक्त लॉरा ने मॉर्टी से बात करने की कोशिश की और अब मॉर्टी के पास सही फैसला लेने की पूरी आज़ादी थी, पर ना तो वो ये जानता था कि वो क्या फैसला लेगा और ना ही कोई और। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।